तो पढ़ना है डिफरेंट एनर्जी, क्या पढ़ना है डिफरेंट एनर्जी इन फ्लोइंग फ्लूड अनि बहते हुए द्रव में विभिन्न प्रकार की ऊर्जा, ध्यान दो, यानी कोई अगर लिक्विड फ्लो हो रहा है तो उसमें कितने प्रकार की एनर्जी होती है, यही हमको इस टॉपिक में पढ़ना है, ठीक है। डिफरेंट एनर्जी इन फ्लोइंग फ्लूड, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट जनरल मोशन करता है तो मोशन की वजह से उसमें कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक ऊर्जा होता है ना। उसको अगर धरातल से ऊपर की तरफ ले जाओ तो उसकी पोजिशन चेंज हो रही है, तो उसकी पोजिशन चेंजिंग होने की वजह से कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी, जिसको स्थिति ऊर्जा कहते हो। और जब प्रेशर आप डालते हो, प्रेशर डालने से उसकी आयतन में जो चेंजिंग होती है तो उसको कौन से, वहां पे भी एनर्जी होती है, उसको क्या कहते हो, यानी प्रेशर एनर्जी। तो उसी तरीके से जब भी, यानी जब लिक्विड जब फ्लो होता है तो उस लिक्विड में भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो एनर्जी कितने प्रकार की है, तीन। कितनी एनर्जी है, तीन, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, प्रेशर एनर्जी यानी दाब ऊर्जा, और पोटेंशियल एनर्जी स्थिति ऊर्जा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी जब भी कोई लिक्विड फ्लो होती है तो उस पर वर्क करता है। जैसे हम पहले उसमें देखते हैं काइनेटिक एनर्जी, फर्स्ट हम देखते हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी वस्तु की, यह गुण होता है कि जब भी गति करेगा कोई वस्तु तो उसमें एक गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है उसी क्या कहते हो, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक, अगर मान लो कि मान लिया जाए कि ऑब्जेक्ट का मास कितना है, फ्लूड का कितना हो, फ्लूड इक्वल टू क्या मान लो, एम, जिस स्पीड से मोशन कर रहा है, मान लो स्पीड कितनी है उसकी, स्पीड ऑफ फ्लूड क्या हो, वी, तो देन तब उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, यानी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी के ई इक्वल टू क्या होगा बताओ, हाफ एम वी स्क्वायर। या एक चीज ध्यान देना, अगर ऑब्जेक्ट का वैल्यूम वी है, ऑब्जेक्ट की वैल्यूम कितनी है, उसका आयतन कितना है, भी है, तो टोटल आयतन की एनर्जी है, किसका है, टोटल आयतन की एनर्जी है। लिख लेते हैं कि इफ वैल्यूम ऑफ लिक्विड इक्वल टू कितना हो, भी, मतलब यह है कि अगर 10 लीटर पानी है तो उन 10 लीटर लिक्विड द्रव का टोटल एनर्जी है, ठीक है। लेकिन अगर हम पर यूनिट एनर्जी निकालें तो क्या होगा, पर यूनिट वैल्यूम एनर्जी निकालें तो क्या होगा, ए समझ रहे हो, क्या समझे इसका, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती होती है, जब भी कोई वस्तु गति करेगा, मोशन करेगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, और उसकी काइनेटिक एनर्जी वैल्यू कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। वैसे ही अगर मान लो लिक्विड है, किसी पाइप में फ्लो मोशन कर रहा है, और उसकी टोटल आयतन, आयतन मतलब कितना होता है, आयतन मतलब समझते हो तुम लोग, क्वांटिटी, उसकी लिक्विड की क्वांटिटी, यानी जितना लिक्विड होगा उसको वैल्यूम कहते हैं, उस टोटल उसका काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम बी स्क्वायर। अंदर से कॉन्फिडेंस लाओ, जैसे एक बार होता है ना कि एक बार जिसे दिमाग में ये सेट हो गया कि हमको कुछ आ ही नहीं रहा है, जब निगेटिविटी हाँ भी हो जाएगी तो फिर उससे बाहर निकलना बड़ी मुश्किल है। अंदर से कॉन्फिडेंस हाई रखो कि मुझे, मैं जो पढ़ रहा हूं समझ में आ रहा है, धीरे धीरे ऐसा चीजें आगे, जब पहले ही डिमोलाइज हो जाओगे तो फिर समस्या है, निगेटिविटी को हावी ना होने दो ऊपर, जैसे निगेटिविटी हावी हुआ फिर समस्या है। इसीलिए कहा गया ना कि जैसे अक्सर पुरानों प्राचीन काल में या अभी भी वो चीजें कहा जाता ना कि भावना जो भावनाएं होनी अंदर से वो हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। अंदर से ऐसी कल्पना करो कि हम बाहर से अंदर से हर तरह से पवित्र हो रहे हैं, चीजें हमारी बुद्धि बढ़ रही है, इस तरह की चीजें, थोड़ा बहुत सुबह जो योग इत्यादि किया जाता है तो उसमें कुछ ऐसे जैसे अनुलोम विलोम हो गया, प्राणायाम वगैरह होता है तो उसमें ये सब चीजें सोचा जाता है। सभी धर्मों में ऐसे नहीं, किसी भी से पर्टिकुलर आप लोगों में भी जब होता है ना, नमाज वगैरह किया जाता है, कई सारे उसमें शरीर के चीजें होती हैं, तो एक तरह से योगा ही है उसमें। और उसमें क्या करते हो, सद्बुद्धि की प्रार्थना की गई है सब जगह, जो नमाज पढ़ा जाता है उसमें भी एक सद्बुद्धि की ही प्रेयर की गई है, बुद्धि की नहीं, बुद्धि तो चोर का भी होता है,
वो भी सोचता है कि हमारा बुद्धि ऐसा बढ़ जाए कैसे तिजोरी काट लें। सद्बुद्धि की प्रेयर की गई है, इसलिए हमेशा पॉजिटिविटी रखो। सकारात्मक ऊर्जा सबसे बड़ी ऊर्जा होती है। एक बार निगेटिविटी हावी हुई तो फिर समस्या हो जाएगी और वो चीज तुम्हारे ऊपर हावी हो रहा है। ध्यान दो इसको, इसको हवा मत समझो, आदमी से बढ़ के कुछ नहीं है भाई। हाफ एम बी स्क्वायर लिखा हुआ है, हाफ एम बी स्क्वायर पढ़ लेना, याद हो गया खत्म। हाफ एम बी स्क्वायर क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। ठीक है, तो अब यह टोटल किसका है? पूरे वेनम का है। लेकिन अगर हम ये निकालें कि एनर्जी एनर्जी ऑफ पर यूनिट मास हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं? पर यूनिट मास, पर यूनिट मास, टोटल मास कितनी थी? यम, टोटल मास यम है। तो पर यूनिट मास एनर्जी का मतलब समझते हो क्या हो जाएगा? के ई अपान यम, यानी उस मास से हम डिवाइड कर देते हैं। पर यूनिट मास, मास से करोगे, पर यूनिट वैल्यूम मतलब वैल्यूम से करोगे, पर यूनिट वेट, पर यूनिट वेट मतलब उसके वेट से डिवाइड करोगे तो ए निकलेगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? हाफ एम बी स्क्वायर अपान यम, यम से यम कैंसिल, क्या मिल गया बताओ? बी स्क्वायर अपान टू। ये क्या निकला? किसकी एनर्जी पर यूनिट मास है, एनर्जी पर यूनिट मास बी स्क्वायर अपान टू ही होता है। ठीक है, ये फर्स्ट। नेक्स्ट, अगर हम ये कहें कि इसकी एनर्जी निकालिए, एनर्जी पर यूनिट वैल्यूम, पर यूनिट वैल्यूम इसका निकालो, एकांक आयतन का, ये एकांक द्रव्यमान का ऊर्जा है, किसका है? एकांक द्रव्यमान का ऊर्जा, और ये एकांक आयतन का ऊर्जा है। तो एकांक आयतन का जब निकालोगे तो क्या लिखोगे बताओ? के इंटू ई अपान भी, या इसको क्या लिखोगे बताओ? हाफ एम भी स्क्वायर अपान भी, एम अपान भी किसके इक्वल होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, डेंसिटी, मास अपान वैल्यूम इक्वल टू डेंसिटी होता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? हाफ रो बी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं, चलो पर यूनिट वैल्यू में, चलो कोई ना, इसमें के इंटू ई लिख देता हूं। तो ये आपका किसका हो गया? एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा है, एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा, यह एकांक द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा, और यह टोटल गतिज ऊर्जा है। ध्यान देना, यह टोटल काइनेटिक एनर्जी, यह पर यूनिट मास की काइनेटिक एनर्जी, और ये पर यूनिट वैल्यूम की। ठीक है, अब यहां एक चीज और आता है, इसको ध्यान दीजिए। अगर हम कहें कि पर यूनिट वेट, उसका वेट भी होगा कुछ, तो पर यूनिट वेट की एनर्जी क्या होगी? एनर्जी ऑफ पर यूनिट वेट, पर यूनिट वेट, पर यूनिट वेट मतलब टोटल अगर वेट mg है तो क्या करोगे बताओ? क्या लिखेंगे आप? लिखोगे हाफ एम बी स्क्वायर अपान एम जी, एम से एम कैंसिल, तो क्या मिल गया बताओ? बी स्क्वायर अपान टू जी को क्या कहते हो? क्या होता है इसको? इसको क्या कहोगी? वेलासिटी हेड। ध्यान रखना, वेलासिटी हेड एग्जाम में आ सकता है ये छोटा सा क्वेश्चन। बी और जी की वैल्यू देकर बी स्क्वायर जी की वैल्यू पूछ देंगे, वेलासिटी हेड क्या होता है? बी स्क्वायर अपान टू जी, इसको क्या कहोगे? वेग शीर्ष। क्या कहोगे जी? वेग शीर्ष, हिंदी में वेग शीर्ष, और इसमें जो होता है वेलोसिटी हेड। ठीक है, वेलोसिटी, वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू है, वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू। फिर एक बार देखिए क्या पढ़ रहे हो, डिफरेंट एनर्जी इन ए फ्लोइंग फ्लूइड। जब भी कोई लिक्विड फ्लो करता है तो उसमें तीन प्रकार की एनर्जी होते हैं, कौन कौन से? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हम निकाल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होता है? उसके मोशन की वजह से। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी विच एनर्जी स्टोर ड्यू टू मोशन, उसकी मोशन की वजह से जो स्टोर होता है वो काइनेटिक एनर्जी हो गई। अगर उस टोटल ऑब्जेक्ट यानी लिक्विड का टोटल वैल्यूम कितनी है? भी, तो उसकी टोटल एनर्जी क्या हो गई? के इक्वल टू हाफ एम भी स्क्वायर, ये तो टोटल एनर्जी हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहता है कि पर यूनिट मास का क्या होगा, तो टोटल मास से आप क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? भी स्क्वायर अपान टू। अगर पर यूनिट वैल्यूम पूछ रहा है तो भी से डिवाइड कर दोगे वैल्यूम से उसकी, यानी आयतन से, एकांक आयतन की एनर्जी हो गई हाफ रो भी स्क्वायर। और अगर पर यूनिट वेट यानी उसके एकांक भार से पूछ रहा है तो एम जी से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल गया? भी स्क्वायर अपान टू जी, इसी को क्या कहते हैं? वेलोसिटी हेड, वेलोसिटी हेड, वेग शीर्ष, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी उसकी है। ठीक है, नोट करो। तुम लोग यार हर बात को निगेटिविटी लेते हो,
हम कह दे तुम क्या कर रहे हो पीछे बैठ के। हाँ फिक्स होगा वहां सीट। चलिए ध्यान दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी, अब क्या पढ़ना हमें, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मतलब यह है कि जो गलत चीज है गलत है, गंदी चीजें गंदी है, उस सब चीजों पे चक्कर न पड़ो, पढ़ाई करो। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है, किसे रिप्रेजेंट करते हो, यू से। यू इज इक्वल टू क्या होता है, एम जी एच। एम क्या है, टोटल उसका मास है, उसकी वैल्यू अगर वी है उसका टोटल मास एम है, ग्रेविटी जी और हाइट एच। यू इज इक्वल टू एम जी एच। पर यूनिट मास एनर्जी क्या हो जाएगा इसका, पर यूनिट मास क्या हो जाएगा, एम जी एच अपान यम इजकल टू जी एच। पर यूनिट वैल्यू इजकल टू क्या हो गया, एम जी एच अपान बी इजकल टू रो जी एच, रो जी एच। पर यूनिट वेट क्या हो जाएगा, पर यूनिट वेट, पर यूनिट वेट एनर्जी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एम जी एच अपान एम जी से एम जी कैंसिल क्या आ गया एच, इसको कहते हैं पोटेंशियल हेड। क्या कहते हैं, पोटेंशियल हेड, मैक्सिमम हाइट जहां तक जाएगा वहां पे एनर्जी अधिक होगा ना, जितना अधिक हाइट पे जाओगे उतनी एनर्जी अधिक होगी, पोटेंशियल हेड। स्थितिज, स्थितिज शीर्ष, ठीक है, स्थिति हेड इसको कहते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी, नोट करो। तमाम कर रहे हो, देखो वही काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम वगैरह तमाम वाला सब। चलिए प्रेशर एनर्जी देखिए, प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी क्या होता है बताओ, प्रेशर एनर्जी कैसे होगा, प्रेशर एनर्जी देखो इसका हम फिगर बनाकर समझा दे रहे हैं। ये मान लो इसमें क्या है, लिक्विड फिल है, लिक्विड इसमें भरा हुआ, यहां पर हमने एक पिस्टन लगा दिया, क्या लगा दिया, पिस्टन। अब इस पिस्टन को आप कहां तक ला दिए, मान लो ये पहले यहां था पिस्टन, कहां था, यहां था, अब पिस्टन को आपने यहां ला दिया, कितने डिस्टेंस ला दिया यहां से, बोलो यक्स। मान लो पिस्टन यहां था, यहां से ला दिए कहां तक, यक्स तक। तो जब ये पिस्टन पीछे ले गए तो इस पर क्या लगा, प्रेशर, क्या लगा, प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है बताओ, पी इक्वल टू एफ अपॉन ए, तो एफ इक्वल टू क्या हो गया, पी इंटू ए। अगर ये प्रेशर की वजह से इस पे फोर्स कितना लगा, एफ, फोर्स कितना लगा, एफ, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एफ, तो इसमें वर्क हो गया कि नहीं हो गया बताओ, तो वर्क कितना हुआ, वर्क डन। डब्ल्यू इक्वल टू बताओ एफ इंटू एक्स, या डब्ल्यू इक्वल टू एफ की जगह क्या लिखोगे, पी इंटू ए इंटू एक्स। ए मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, और x का मतलब लेंथ, x का मतलब कितना वो डिस्प्ले, x, तो इसका मतलब है कि जो लिक्विड का वैल्यूम होगा इसी में आएगा ना केवल, तो कितनी हो जाएगी वैल्यूम, a into x, यानी a into x की वैल्यू कितनी हो गई, फिर समझो यहाँ पे, इस लिक्विड ये पिस्टन को आप यहाँ रखे थे, तो लिक्विड यहीं रुका है ना, लेकिन जब पिस्टन को आप ऐसे x डिस्टेंस मूव करोगे तो लिक्विड क्या करेगा, मूव करेगा कि नहीं, मूव कब हुआ, जब उस पर प्रेशर लगा, प्रेशर लगने से उस पर क्या लग रहा है, फोर्स, समझे, तो जब फोर्स लगेगा तो आप प्रेशर पड़ा ना, P इक्वल टू एफ अपॉन, इस प्रेशर की वजह से फोर्स कितना लगा, PA, जब ये फोर्स लगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, x, तो वर्क होगा ना, तो वर्क कितना हो गया, W इक्वल टू पी एफ इंटू एक्स होगा, तो ये आपकी वैल्यू पी ए एक्स रख दिए, तो अब बताओ एक क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और डिस्प्लेसमेंट कितना, x,
तो कितनी वैल्यू वाटर आया इसमें, भी कितना आया, ए इंटू एक्स भी होगा ना, एरिया इंटू वैल्यू, समझ पा रहे हो, आयतन ए इंटू एक्स। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, डब्ल्यू इजकल टू पीवी, और यही पीवी क्या कहलाता है, प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी पी भी। ठीक है, पी वन भी वन लिख लीजिए, हाँ पर यूनिट वैल्यू क्या हो जाएगा, पी वी अपान भी इजकल टू पी। अरे कोई नहीं होता है, मास का निकाल लो, हाँ ये जरूर हो जाएगा। देखो ये तो प्रेशर यूनिट वैल्यूम केवल प्रेशर है, प्रेशर हेड नहीं है, क्या है, पर यूनिट वैल्यूम की प्रेशर एनर्जी है। पर यूनिट मास का निकालोगे तब क्या हो जाएगा बताओ, एनर्जी आप प्रेशर एनर्जी आप पर यूनिट मास, पर यूनिट मास का क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, ये कहां से आ रही हो जी, अच्छा केमिस्ट्री के लिए, ठीक है, प्रेशर एनर्जी आप पर यूनिट मास, तो क्या हो जाएगा बताओ, पीवी अपान एम, पीवी अपान एम, भी अपान एम को क्या कहोगे बताओ, भी अपान एम को, भी अपान एम किसके इक्वल होगा, वन अपान रो, ठीक है, तो क्या हो गया पी अपान रो, क्या हो गया, हाँ पोटेंशियल एनर्जी आप पर यूनिट यानी प्रेशर एनर्जी आप पर यूनिट मास क्या हो गया, पी अपान रो। वेट का क्या होगा बताओ, उसका मास का, पर यूनिट मास का बताइए, पर यूनिट मास, पर यूनिट मास का बता दिया ना, वेट का बताओ, पर यूनिट वेट बताओ, पर यूनिट वेट इजकल टू क्या हो गया, पी वी अपान एम जी, तो एम वी अपान एम इजकल टू और अपान रो, यानी पी अपान क्या हो गया रो जी, इसको क्या कहते हो, इसको कहते हैं प्रेशर हेड, क्या कहते हो, प्रेशर हेड, हेड मतलब शीर्ष होता है, मैक्सिमम पॉइंट्स, मैक्सिमम वैल्यू, हाँ तो मैक्सिमम होगा, हाँ तो ये पी अपन रो जी आपका हो गया प्रेशर हेड, ठीक है, ये आपका पी आपका पर यूनिट वैल्यूम की एनर्जी हो गई, ये आपका टोटल एनर्जी हो गया, ठीक, तो एक तरह से ये तीनों एनर्जी आपका कंप्लीट किसी भी लिक्विड का। अच्छा न्यूमेरिकल तुम भेजे थे, तो मोबाइल में नहीं, वो मुझे प्रश्न भेजा था।